दोस्तों से मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट है। और इस इंडिया एक्सपो मार्ट में यहाँ पर ऑटो एक्सपो 2023 लगा हुआ है। और इस ऑटो एक्सपो 2023 में जो मैं आपको ऑटो दिखाने वाला हूँ, ये बेहद दमदार तो है ही, बाकी जो इसका लुक है वो बेहद बेहतरीन बनाया गया। अब से पहले अगर आपने इस तरह के ऑटो देखे हो तो वो CNG वाले ऑटो होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। और इसके अंदर जो बैटरी यूज की गई है वो कितने किलोमीटर तक इसे ले जा सकती है, कितने रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं, कितने इसकी वारंटी है और किस किस तरह से आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो मेरे साथ सनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। अच्छा सर, जिस तरह का ये हम ऑटो देख रहे हैं, सबसे पहले हम CNG का इस तरह का ऑटो देखते थे, तो ये लॉन्च कब हुए हैं सर? सर ये लगभग 1.5-2 साल से इंडिया में शुरू हो गए हैं ज़्यादातर यूज़ होना। इम्प्लीमेंट तो बहुत पहले से हैं, बट अभी एक्चुअली यूजेज स्टार्ट हुए हैं, अभी 1.5-2 साल से स्टार्ट हुए हैं जी। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है पूरा, और इसमें किसी भी और तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है जी। और इस वाले पर्टिकुलर जो पैसेंजर व्हीकल हमने बनाया है, इसमें ये एक स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपकी जब भी आपकी बैटरी की रेंज ख़त्म हो जाती है तो हमारे स्वैपिंग स्टेशन से आप नई बैटरी लेकर के और अपनी डिस्चार्ज करी हुई बैटरी को वापस लगा सकते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बस बैटरी स्वाइप करी, लगाई और फिर दोबारा सवारी में बैठा कर चला लिया। तो 2 मिनट से भी कम के समय में आप दोबारा से इसको करीब 60 से 70 किलोमीटर और चला सकते हैं। अच्छा, इसमें फीचर्स क्या क्या देंगे? जैसे CNG वाले में कुछ फीचर्स होते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव है उसके अलावा? तो CNG वाले के मुकाबले में जो व्हीकल है, एक तो हमने स्पेशियस काफ़ी बनाया है इस व्हीकल को। पीछे की सीट पे कंफर्टेबली 3 आदमी बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी प्रीमियम सीटिंग है इसके अंदर। तो ये न केवल सड़क पर रेगुलर पैसेंजर के तरह से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसको आप रिजॉर्ट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रीमियम फील देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा इसमें जो एज एन अल्टरनेट फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हमने काफ़ी एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं। वहाँ पे आपका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कि वो जो लेफ्ट में बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ये सिस्टम है जिसमें आप GPS और अपना मनोरंजन और गाने वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। स्पीकर्स लगे हुए हैं इसमें, USB चार्जर है जी। और बाकी आप इसका SOC और जो भी आपकी रेंज बची हुई है वो आप उस स्क्रीन पर से देख सकते हैं, जो छोटी वाली स्क्रीन लगी हुई है। एज एन ऑप्शन अगर ये फ्लीट में चलता है तो हम इसके अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। आपको ये छोटा सा कैमरा दिखाई दे रहा है वहाँ पर काले रंग का, जिसमें ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें अगर ड्राइवर थोड़ा डिजी होता है या अगर सिगरेट पी रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या बिजी हैं अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो वो आप कैच कर सकते हैं उसके अंदर, और उसमें एक वार्निंग आ जाती है ताकि वो दोबारा से सड़क पर फोकस कर सकें। अच्छा, तो सर कोई आपने कहीं कोई सिस्टम लगाया होगा जहाँ से लोग ड्राइवर को देख पा रहे होंगे? नहीं, ये मॉनिटरिंग सिस्टम इसी के अंदर होता है सिस्टम इसके, और इसमें से वार्निंग आती है आपको। अच्छा, कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सड़क के ऊपर या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो वो ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ड्राइवर को जागृत करने के लिए है जी, जी। कि आप ध्यान से गाड़ी चलाएं। अच्छा सर, जो जिस तरह से आपने इसमें बताया था कि 3 सवारियां पीछे बैठ सकती हैं, तो लगभग कितना वजन एक बार में ले जा सकता है? ये करीब 800 किलो के आसपास का वजन ले सकता है बड़े आराम से। तो इसमें 3 सवारियां, ड्राइवर और थोड़ा बहुत सामान प्लस जो बैटरी का वजन है, वो सारा का सारा ये 800 किलो में पूरा हो जाता है। और ये बड़े आसानी से 50 से 55 किलोमीटर की स्पीड पर चल सकता है, कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्वैपेबल बैटरी है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको CNG की लाइन में लगना पड़े या आपको बैटरी चार्ज करने के लिए 3 घंटे इसको यूज़ करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम भारत में हैं, इसमें भारत में आप देखते हो कि बिल्कुल हौच पौच होकर लोग बैठ जाते हैं, रूरल एरिया में जब चलता है तो 3 की जगह मैं समझता हूँ कि इसमें 6 या 7 सवारियां बैठ जाएंगी, तो ले जा सकता है सर? इसीलिए इसको 800 किलो का वजन दिया गया। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहूँगा कि इसमें आप ज़्यादा लोग बिठाएं, बट अगर किसी वजह से ये ओवरलोड भी होता है तो भी ये व्हीकल आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये सब ध्यान में रख के बनाया हुआ है। अच्छा सर, ये और बताएं कि इसकी कीमत क्या रखी है? ये हमने अभी इसकी कीमत 3,40,000 रुपये रखी है, बट इसमें आपको फेम सब्सिडी मिलती है, तो ये आपको लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये और कम पड़ता है। सब्सिडी तो दे रही है सर सरकार के इस पर? हाँ, सब्सिडी देगी इसके ऊपर। फेम में हम इसको अप्लाई किया हुआ है, तो फेम में हम सब्सिडी कम करवा के देंगे इसके ऊपर। अच्छा सर, अगर कोई इसे इंस्टॉलमेंट में वैसे लेना चाहे सर, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल है। सो हमारे फाइनेंसिंग टाई अप है बैंक के साथ, तो अगर कोई फाइनेंसिंग में कराना चाहता है तो हम फाइनेंसिंग करा सकते हैं, उनके नाम पे करा सकते हैं या लीजिंग कंपनी के नाम से करा सकते हैं जी। सर कंपनी कौन सी अपनी? MTA e-mobility। अच्छा सर, वेबसाइट कोई है जिससे लोग संपर्क कर सकते हैं? MTAEV.com पे संपर्क कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल है, इसके स्पेसिफिकेशन है और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अच्छा सर, कोई कस्टमर केयर नंबर भी है जहाँ से कोई जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बात कर सके? बिल्कुल है, कस्टमर केयर नंबर वेबसाइट पर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट अस में ईमेल आईडी भी है और कस्टमर केयर नंबर भी है। सर ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी इसमें है co@MTAEV.com। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मच शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये आपने 3-व्हीलर देखा है,
पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और इस तरह की जो वीडियो है लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।